हेलो नो मैकेनिक्स, हेलो XUV700। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में XUV700 के बारे में बात करेंगे, इसके सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे, इसका एक्सटीरियर इंटीरियर एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे इसकी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, इसकी जो प्राइसिंग इतनी लो रखी गई है वो कैसे रखी गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली, तो एंड तक बनी रहिएगा दोस्तों, और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody. तो गाइस, पहले स्टार्ट करते हैं, गाड़ी की कंपैरिजन करेंगे डायमेंशन वाइज। तो आपकी स्क्रीन पे डायमेंशंस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं कि डायमेंशंस कंपटीटर के हिसाब से XUV700 की कैसी है। आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और देखिए, थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं आप इस वीडियो। उसके बाद हम बात करेंगे गाड़ी के वेरिएंट्स की। महिंद्रा ने बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसके वेरिएंट्स रखे हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा वेरिएंट्स होने वाले हैं, जो कि अगर नॉर्मली मैं आपको समझाऊं तो जो बेस सीरीज़ होगी वो MX सीरीज़ होगी, और उसके बाद एड्रीनॉक्स सीरीज़ AX3X, AX5 और AX7 सीरीज़ होगी। और इसके अंदर आपको टर्बो डीजल टर्बो पेट्रोल दोनों ऑफरिंग दी जाएंगे, मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिए जाएंगे, 5 और 7 सीटर की ऑप्शन दी जाएगी। और जो प्राइसिंग आई है वो 5 सीटर और मैनुअल, इन्हीं दो चीज़ों की आई है, ना वो 7 सीटर की है ना वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की है। और ऑप्शनल आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिल सकता है AX3, AX5 और AX7 में। MX5 सीरीज़ को अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें आपको दो इंजन ऑप्शन मिलेंगे, एमहॉक डीजल और एमस्टेलियन पेट्रोल इंजन। एमस्टेलियन आपको 200 PS पावर वाला मिलेगा और 155 PS वाला डीजल मिलेगा। आप टॉप फीचर्स जो भी है वो आप एनालाइज कर सकते हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं आपको MX सीरीज़ में क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। उसके बाद गाइस आती है AX एड्रीनॉक्स सीरीज़। एड्रीनॉक्स सीरीज़ में आपको A3, A5 और A7 वेरिएंट्स मिलेंगे। ये सिर्फ डीजल गैसोलीन ऑप्शंस के साथ, इनकी जो प्राइसिंग आई है डीजल गैसोलीन ऑफरिंग के साथ, मैनुअल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्राइसिंग नहीं, जो ये वेरिएंट्स हैं आपको डीजल गैसोलीन मिलेंगे, मैनुअल ऑटोमेटिक मिल सकते हैं, और 5-7 सीटर की कैपेसिटी मिल सकते हैं, और ऑप्शनल ऑल व्हील ड्राइव आपको इन तीनों में मिल सकता है। A3 के जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं ओवर MX आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपको देख रहे हैं, और बीच में AX5 के फीचर्स हैं जो AX3 के ऊपर मिलेंगे आपको। AX7 जो सबसे हाईएस्ट वेरिएंट निकाला है महिंद्रा XUV700 का, ओवर AX5 क्या फीचर्स मिलेंगे वो सबसे राइट साइड में। और आपको इस चीज़ में ऑप्शनल पैक भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 3D सराउंड बाय सोनी कवर होगा, इलेक्ट्रॉनिकल डिप्लॉयड स्मार्ट डोर हैंडल्स, 3D सराउंड व्यू, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक और वायरलेस चार्जिंग, ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शनल पैक में देखने को मिलेंगी गाइस। तो अब थोड़ी गाड़ी को एक्सप्लोर करते हैं। ऐसे आपको स्मार्ट डोर हैंडल्स मिलेंगे, अंदर आपको दो बड़ी स्क्रीन देखने को मिल जाएंगी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और बीच में सेंटर कंसोल भी बहुत बढ़िया दिखता है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है जिसमें नया महिंद्रा का लोगो है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डिजिटल पूरी टच स्क्रीन मिलेगी आपको, 10.25 इंच टच स्क्रीन है दोनों ईच, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। एलेक्सा इन बिल्ड मिलेगा जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, जिससे आप स्काई रूफ ओपन करवा सकते हैं। और आपको म्यूज़िक अगर देखना है तो 12 सराउंड स्पीकर्स हैं सोनी के, जो कि आपको 3D साउंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलेंगे, जिससे आपको थिएटर का अनुभव होगा गाड़ी के अंदर बैठे बैठे। और दोस्तों, अगर बात करी जाए सीट्स की, तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स कही गई है महिंद्रा की तरफ से, और इसमें मेमोरी फंक्शंस दिया गया है, जिससे आप अंदर बैठेंगे तो गाड़ी की सीट्स अपने आप पीछे होंगी आपको अंदर बैठने के लिए, और बाद में आगे हो जाएंगी जब आप बैठ जाएंगे सीट्स पर। LED टेल लैंप्स, LED हेडलैम्प्स आपको मिलेंगे DRL के साथ। और इस गाड़ी के अंदर आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिलता है, जो कि इतनी बड़ी गाड़ी को पार्क करने में बहुत यूज़फुल बना देता है।
गाड़ी में आपको 66 प्लस कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के फीचर्स मिलेंगे जो कि गाड़ी को बहुत इजी कर देते हैं और घर बैठे बैठे आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट इन सेगमेंट डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिसे पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड दोनों का टेम्परेचर आप अलग अलग रख सकते हैं। अगर देखेंगे इंजन ऑप्शंस के बारे में, आपको इसमें टर्बो डीजल और टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। टर्बो पेट्रोल एम स्टैलियन महिंद्रा का इंजन है 2 लीटर का, और 2.2 लीटर एम हॉप डीजल इंजन है जो कि आपको एमएक्स में 155 पीएस की पावर निकालेगा, पर आपको एएक्स वेरिएंट्स में आपको 185 पीएस की पावर देगा। आपकी स्क्रीन पे फिगर्स हैं, आप देख सकते हैं उसे पॉज करके। बहुत ही बढ़िया रिफाइंड इंजन है जो कि 0 to 60 किलोमीटर पर आवर आपको 4.8 सेकंड्स के अंदर दे देगा, जिसको महिंद्रा ने अंडर 5 सेकंड्स क्लेम करा है, जो कि बहुत ही फास्ट है इतनी बड़ी एसयूवी के लिए। इसमें आपको ऑप्शनल ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिल जाएगा। अभी आपको जो प्राइसिंग दी गई है वो आपको एमएक्स वेरिएंट और AX3X5 वेरिएंट्स की दी गई है, जो कि केवल 5 सीटर है, मैनुअल है, पेट्रोल डीजल आपको दोनों को मिल जाएंगे। पर अभी आपको इसकी प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा अंतर दिखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इसमें आपको AX3, AX5, AX7 में ऑल व्हील ड्राइव की प्राइसिंग आएगी, डीजल की आएगी, डीजल के साथ ऑटोमेटिक भी आपको देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइसिंग मेरे हिसाब से 22 to 24 लाख एक्स शोरूम तक जा सकती है। पर जो इन्होंने बेस वेरिएंट की स्टार्टिंग प्राइसिंग रखी है 11.99 एक्स शोरूम, वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली और सेगमेंट किल करने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, होप सो आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी और आपको अच्छा लगा होगा ये सब वीडियो इन्फॉर्मेशन पा के। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आप अपना सपोर्ट दिखाइएगा, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।